हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें हमारा आज टॉपिक रहेगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पार्ट 1। तो आइए चर्चा करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? Who is called the father of Indian Renaissance? हमारे ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो यहाँ हम राइट साइड पर देख सकते हैं, ये किसकी तस्वीर है? राजा राम मोहन राय जी को। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, ठीक है? राजा राम मोहन राय आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। साथ ही मैं इनके बारे में कुछ बता देता हूं कि इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और एक बात, इनको अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु भी इनको कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को, और इनको प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। तो ये इनके विशेष नाम है जो जिसकी जिन नामों से इनको पहचाना जाता है, ठीक है? और इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ दी हुई है, एक बार हम इसको देख लेंगे ध्यान से। इनका जीवन काल 1772 से लेकर के 1833 तक रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। मतलब राजा राम मोहन राय द्वारा सबसे पहले कौन सी संस्था निर्मित की गई थी, कौन सी संस्था स्थापित की गई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और तत्वबोधिनी सभा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था थी, इसको इन्होंने 1815 में स्थापित किया था। कुछ बुक में इसको 1814 भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है 1814 या 1815, ज्यादातर आपका आंसर इसमें 1815 ही मिलेगा। और इसकी स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में, कोलकाता में इसको स्थापित किया गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज वास। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? सी आर दास, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो हम जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, यहाँ राइट साइड पर फोटो भी लगा है, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना। इस ये जो संस्था है ब्रह्म समाज, इसके इसका शुरुआती नाम ब्रह्म सभा था, ठीक है? ब्रह्म सभा के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और आगे चलकर कुछ दिन बाद इसका नाम ब्रह्म समाज हो गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किस वर्ष में की थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? मतलब राजा इनकी उपाधि थी, राजा राम मोहन राय के नाम में जो राजा आता है वो इनकी उपाधि थी, वो किसने इनको दी थी? हु कन्फर्ड राम मोहन राय विद द टाइटल ऑफ राजा। तो
इनको राजा का टाइटल किसने दिया था? तो हमारे ऑप्शन है औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी, मुगल सम्राट अकबर सेकेंड। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है मुगल सम्राट अकबर सेकेंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था। मुगल बादशाह अकबर सेकेंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और साथ ही जब उन्होंने अकबर सेकेंड ने मुगल सम्राट अकबर सेकेंड ने मोहन राय को राजा की उपाधि दी, तो उन्होंने उन्हें अपना दूत बनाकर 1830 में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में ब्रिटेन भेजा था। वो क्यों भेजा था? वो इसलिए भेजा था क्योंकि मुगल बादशाह की पेंशन बढ़ाने के विषय में राजा राम मोहन राय सम्राट से बात करें, ताकि मुगल सम्राट की पेंशन को बढ़ाया जा सके। इस बात के लिए उनको राजा की उपाधि दे करके अकबर सेकंड ने ब्रिटेन भेजा था। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है किसने दिया था राजा का टाइटल? राजा का टाइटल किसने दिया था राजा राम मोहन राय जी को? तो वो दिया था अकबर सेकंड ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने राजा का टाइटल दिया था। ये है मुगल सम्राट अकबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, कनाडा में। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, द टॉम्ब ऑफ किंग राम मोहन राय इज, कहाँ पर है इनका टॉम्ब, कहाँ पर है इनकी समाधि? तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, कनाडा में। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि अकबर सेकंड ने, मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित करके ब्रिटिश दरबार में भेजा था विलियम फोर्थ के यहाँ। तो जब ये वहां इंग्लैंड गए थे मुगल सम्राट की पेंशन बढ़वाने, तो उन्हीं दिनों ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में। तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि है। ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हुई थी और ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी वहीं पर समाधि बना दी गई थी। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी और फिर इनकी समाधि वहीं ब्रिस्टल इंग्लैंड में बना दी गई। तो राजा राम मोहन राय जी की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, या ब्रह्म समाज का क्या सिद्धांत था? एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन। ब्रह्म समाज किस बेस पर काम करता था, क्या उनका सिद्धांत था? तो मैं आपको बता दूं, ये एक देव हमारा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, नास्तिकता, नास्तिकता पर आधारित था, अद्वैतवाद पर आधारित था, एक देववाद पर आधारित था, बहुदेववाद। नास्तिकता मतलब एथीज्म, अद्वैतवाद मतलब मोनोथिज्म, एक देववाद मतलब ऑन मोनोथिज्म, और बहुदेववाद मतलब पॉलोथिज्म। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ब्रह्म समाज था वो एक देववाद पर आधारित था, या फिर कह सकते हैं एक ईश्वरवाद पर आधारित था। वो एक ईश्वर को मानते थे लोग, और एक मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, और अवतारवाद का खंडन करते थे। तो इन बातों से हम ये याद रख सकते हैं कि वो उनका उद्देश्य क्या था, ब्रह्म समाज की जो संस्था थी उनका क्या उद्देश्य था। एक बार फिर से बता देता हूँ, एकेश्वरवाद की उपासना मतलब एक देव को पूजना, साथ ही मूर्ति पूजा का विरोध करना, और अवतारवाद का खंडन करना, ये ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है एक देववाद। एक देववाद ब्रह्म समाज का सिद्धांत था, एक देववाद। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में की थी, ऐसा हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था, मतलब वो किस चीज के फेवर में थे, ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अपोज्ड बाय राजा राम मोहन राय?
निम्नलिखित चीजों में से जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं या चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस चीज का अपोज राजा राम मोहन राय जी ने नहीं किया? तो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज का अपोज उन्होंने किया, सती सिस्टम का विरोध, सती प्रथा का विरोध उन्होंने किया। वो कहते थे कि ये सती होना गलत है, ये तो उनका मेन कार्य था जिसका उन्होंने जोर शोर से विरोध किया था। और मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का तो हमने बताया, ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, मूर्ति पूजा का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन करना, एक देववाद का पूजा करना, ये उनके उद्देश्य थे। तो पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन के पक्षधर थे राजा राम मोहन राय। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो एक बार इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द रिलीजियस सोशल व्यूज ऑफ राम मोहन राय? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, दिग्दर्शन, संवाद कौमुदी, समाचार चंद्रिका और बंगाल गजट। तो ये कुछ लेख हैं, कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ समाचार पत्र हैं जो ऑप्शन में दिए हैं। और हमसे पूछा गया है कि राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में इनमें से किसको प्रकाशित या प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका को राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। और किसने किया था? भवानी चरण बंदोपाध्याय, भवानी चरण बंदोपाध्याय। भवानी चरण बंदोपाध्याय जी ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था, और 1822 ईस्वी की ये बात है। 1822 ईस्वी में भवानी चरण बंदोपाध्याय जी ने राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में समाचार चंद्रिका का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन ब्रह्म समाज। अब हमने अभी तक जाना है ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज एक संस्था थी जिसका जिसका आरंभ राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ब्रह्म समाज संस्था से ब्रह्म समाज संस्था द्वारा समय के साथ भिन्न भिन्न लोग जुड़ते रहे, जो समाज सुधारक आते रहे समय के साथ, वो लोग जुड़ते रहे और इस संस्था को आगे चलाते रहे। सबसे शुरुआत में राजा राम मोहन राय जी ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर इस संस्था से आकर के जुड़ गए। उसके बाद केशव चंद्र सेन इस संस्था से आकर के जुड़ गए। इस तरह से इस संस्था का आगे कार्य चलता रहा। अब किसी मतभेद के कारण 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच विवाद हुआ, जिस विवाद से ब्रह्म समाज से जुड़े केशव चंद्र सेन जो थे, उन्होंने अपने आप को ब्रह्म समाज से अलग कर लिया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, उसके बाद उसका कार्यभार देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद संभाला केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन और के उदारवादी व्यक्तित्व के चलते इनका देवेंद्रनाथ टैगोर से थोड़ा विवाद हो गया, जिस विवाद के चलते इन्होंने ब्रह्म समाज से अपना नाता खत्म कर लिया और एक नई संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। ये केशव चंद्र सेन जी हैं। तो इस तरह हम जान गए हैं कि जो नई संस्था इन्होंने बनाई उसका नाम रखा भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से अलग होकर के केशव चंद्र सेन ने जिस संस्था को बनाया था वो थी भारतीय ब्रह्म समाज। तो इस तरह
हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ठीक है, और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन जी थे, ठीक है। तो याद रखना है ये भारतीय ब्रह्म समाज है, ये भारतीय ब्रह्म समाज है, और केवल ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसिफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, थियोसिफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द थियोसिफिकल सोसाइटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो थियोसिफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, मैडम एचपी ब्लावटस्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन चार नामों का जिक्र किया गया है कि थियोसिफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो मैं बता देता हूं आपको, थियोसिफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एचपी ब्लावटस्की ने की थी, और उनके सहयोगी थे अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट उनके सहयोगी थे, और ऐसा 1875 में इन दोनों ने, 1875 में इन दोनों ने मिलकर और इनके कुछ सहयोगियों की सहायता से इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, और न्यूयॉर्क वो जगह थी जहां पर थियोसोफिकल सोसाइटी को मैडम एचपी ब्लावटस्की और कर्नल ऑलकॉट ने स्थापित किया था 1875, ठीक है। तो इस तरह से थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना का, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम एचपी ब्लावटस्की, मैडम एचपी ब्लावटस्की, ये एक रूसी महिला थी, और इनके सहयोगी कौन रहे, कर्नल ऑलकॉट। और ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब, कौन से ईयर में हुई, 1875 में, और कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में, ये भी याद रखना है। तो पूरा याद रखेंगे कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लावटस्की और उनके सहयोगी कर्नल अलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक ऑप्शन है हमारे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, एनी बेसेंट और स्वामी विवेकानंद। तो कौन थे हमारे आत्मा, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी, मुंबई, उस समय का बंबई। तो ऐसा बंबई में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, वर्ष 1867, स्थान मुंबई, ठीक है। और एक बात बता देता हूं, इस संस्था से बाद में एक मुख्य व्यक्ति 1869 में, 1869 में महादेव गोविंद रनाडे भी जुड़ गए थे, जिन्होंने, जो इसके बाद में मुख्य कार्यकर्ता बने, एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, रनाडे, आत्माराम पांडुरंग के बाद जो मुख्य कार्यभार संभाला है प्रार्थना समाज का, वो रनाडे जी ने संभाला था। तो अगर बात करें मुख्य स्थापना की कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग, और फिर इस संस्था से 1869 में एमजी रनाडे जुड़ गए थे। अगर कभी किसी एग्जाम में प्रार्थना समाज के संस्थापक
ये क्वेश्चन आए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, और आत्माराम पांडुरंग जी ऑप्शन में ना हो तो और एम जी रनाडे हो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर एम जी रनाडे भी हो, एम जी रनाडे भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एम जी रनाडे भी इस संस्था से जुड़े हुए थे और इसके मुख्य कार्यकर्ता थे। तो अगर आत्माराम पांडुरंग नहीं होंगे तो एम जी रनाडे होगा, वरना आत्माराम पांडुरंग होगा इसका। तो इस तरह से हमने पार्ट वन कंप्लीट किया है मॉडर्न हिस्ट्री के ये क्वेश्चन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है, एक बात मैं यहाँ आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो में कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है या किसी पॉइंट्स पर कुछ चीज में किसी चीज में कंफ्यूजन हो या कुछ जानना हो या कोई बात आपको जो डिस्कस करनी हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इस बात को भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।